नमस्कार, मैं प्रीति और आप देख रहे हैं द सोशल राइज। माँ लक्ष्मी के द्वारा ही संसार की उत्पत्ति हुई है। कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति पूरे श्रद्धा भाव से माँ की आराधना करता है, पूजा अर्चन करता है, उन्हें माँ यश धन वैभव से परिपूर्ण करती हैं और माँ का उन पर विशेष कृपा बना रहता है। आज माँ का विशेष पूजा का दिन है। सुरहिया मेला चल रहा है। इस मेले में माँ की विशेष पूजन अर्चन की जाती है। आज हम मौजूद हैं महालक्ष्मी मंदिर, जो कि वाराणसी के लक्सा स्थित है। हम लोग सारे परिवार एकत्र होके माँ का श्रृंगार कराने आए थे और बहुत ही भव्य यहाँ पे आरती हुआ है। हमारा बहुत अच्छे से दर्शन हुआ, माँ का दर्शन पाके सब लोग बहुत खुश हुए। वैसे भी 16 लक्ष्मी माता का सब पे रहता है, कृपा बनी रहे। बस हर साल आती हैं या अभी हर साल आते हैं? श्रृंगार इस बार कराया हम लोगों ने। धन्यवाद। ये आधे भादो में अष्टमी के दिन इनका पूजा होता है। आदमी नहा धो के अच्छी तरह से 16 गांठ का धागा बनता है, माँ लक्ष्मी को चढ़ाया जाता है, चढ़ा के अपने हाथ में बांधा जाता है। इनसे अतर है, धूप है, ये सब करके इनका पूजा करके माँ को चढ़ा के अपने हाथ में, आदमी लोग सीधे हाथ में बांधते हैं, औरत लोग उल्टे हाथ में बांधती हैं। फिर 16 दिन होने के बाद फिर अष्टमी आता है, फिर औरतें लोग सुहागिन लोग अपना नहा धो के माँ का दर्शन करने आती हैं। घर में जो है पूड़ी है, हलवा है, सेवई है और सुरैया है, सब बनता है। शाम को इनकी 7-8 बजे में पूजा होता है। घर में बहू बेटियाँ सब बैठ के पूजा आराम से माता का करती हैं। जिसको माँ शक्ति देती हैं वो रात भर जागरण करता है, माँ का भजन कीर्तन करता है, और जिसको सोना रहता है वो माँ को करके पूजा पाठ सो जाता है। वो कहते हैं ना कि जितनी श्रद्धा उतनी भक्ति, जितनी शक्ति रहे उतनी भक्ति करो। माँ किसी को ही नहीं कहती है कि तुम करबे करो, जो माँ का लौ लगाएगा उसको माँ शक्ति देवे करेंगी। माँ लक्ष्मी का मंदिर यूँ तो हर जगह है, लेकिन इसके अलावा भगवान शिव की प्रिय नगरी काशी में भी माँ लक्ष्मी का एक अद्भुत मंदिर स्थापित है, जो पूरे विश्व में विख्यात है। यहाँ पर जो 16 दिवसीय सुरैया मेला लगता है, ये भी विश्व प्रसिद्ध है। इसके अलावा नवरात्र के 9वें दिन माँ गौरी के रूप में इनकी पूजा होती है। बनारस का सुरैया मेला बहुत खास है। इसमें महिलाएं 16 दिन तक संतान सुख और समृद्धि के लिए माँ लक्ष्मी की पूजा करती हैं। यह मेला भादो की शुक्ल पक्ष की अष्टमी से शुरू होकर अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक चलता है। आइए हम आपको इस अनोखे मेले के बारे में बताते हैं। जाने सुरैया मेला क्या है? 16 दिन चलने के कारण इस मेले का नाम सुरैया मेला है। सुरहिया मेले में महालक्ष्मी की आराधना की जाती है। लक्ष्मी कुंड में मौजूद महालक्ष्मी का दर्शन इन दिनों फलदायक होता है। मेले के पहले दिन लोग महालक्ष्मी की प्रतिमा खरीद कर घर ले जाते हैं। उस प्रतिमा की 16 दिनों तक कमल के फूल से पूजा होती है। कहा जाता है कि सुरहिया में माँ लक्ष्मी की पूजा से घर में सुख शांति आरोग्य ऐश्वर्य और लक्ष्मी निवास करती हैं। मेला शुरू होते ही लक्ष्मी कुंड में आराधना शुरू हो जाती है। लक्ष्मी मंदिर परिसर श्री सुक्त स्वर्णाकर्षण के मंत्रों से गूंज उठता है। भक्तगण माँ लक्ष्मी की खास प्रतिमा और कपड़े खरीदते हैं। प्रतिवर्ष सुरहिया मेला 16 दिन का मेला भगवती महालक्ष्मी महाकाली महासरस्वती के दरबार में होता है। इस मेले की सबसे खासियत यह है कि इस मेले में बनारस सहित आसपास जिले की जो भी महिलाएं रहती हैं वो 16 घाट का धागा बांध के भगवती का आती हैं, दर्शन पूजन करती हैं और 16 फेरी लगाती हैं।
इस मेले का समापन, जो सोरहिया मेला कहते हैं, इसका समापन अंतिम संतान लक्ष्मी जीवित पुत्रिका व्रत के साथ होता है। संतान लक्ष्मी जीवित पुत्रिका के व्रत में महिलाएं सुबह से निराजल व्रत रह के अपने संतान के लिए पूजा करती हैं, कथा सुनती हैं। कथा सुनने के बाद उनके दीर्घायु के लिए, मंगल कामना के लिए, स्वास्थ्य लाभ के लिए और उन्नति प्रोन्नति के लिए महिलाएं अपने पुत्रों के लिए कामना करके पूजा करती हैं। और उस दिन भगवती संतान लक्ष्मी के रूप में यहाँ विराजमान होती हैं और सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करती हैं। और ये सोरहिया मेला बनारस के लखा मेला में भी शुमार है। लखा मेला वो होता है जो काशी की ऐतिहासिक परंपरा को सजोए हुए आज भी उनको पारंपरिक तरीकों से निर्वाह करवाता आ रहा है, जिसमें मंदिर प्रबंधन के साथ साथ शासन और प्रशासन की पूर्ण सुविधा और सहयोग हमको मिलता है। स्कंद पुराण के अंतर्गत महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती त्रिशक्ति पीठ का यहाँ पे प्रादुर्भाव हुआ है। भगवती का कहीं भी आगमन या हो नहीं होता, भगवती हर जगह प्रकट होती है। स्कंद पुराण के अंतर्गत में भगवती का पूरा उल्लेख है, जिसमें ये बताया जाता है कि ये माता अपने महालक्ष्मी, ना कि सिर्फ लक्ष्मी है, महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती के रूप में विराजमान है। और एकमात्र ये काशी का ऐसा स्थान है जहाँ पे लक्ष्मी माँ काली और सरस्वती माँ के साथ बैठी है। लक्ष्मी धन वर्षा करती रहती है, काली माँ दुष्टों का संहार करती है और हमारे अंदर की बुराइयों का नाश करती है, और भगवती सरस्वती हमें सदबुद्धि देती है, जिससे हम भगवती की पूजा दर्शन अपने साथ साथ अपने परिवार, इष्ट मिष्ट, बंधु बांधव से सबके लिए मंगल कामना करते हैं। ये क्या होता है, पहले दिन लक्ष्मी जी का पूजा जो किया जाता है धूप से, 16 धूप अटिया रहता है, 16 अटिया का धूप बनाते हैं हम लोग और 16 बार धूप बनता है, और फिर इसके बाद 16 बार चावल रहता है, 16 दाने का चावल, खड़ा चावल रहता है, उनका माला बनाया जाता है। उनका माला बनाकर और अड़हुल के में बांधकर उनको 16 बार जो अड़हुल का जो ये है नहीं धूप, ये धूप जो है 16 बार 16 रहना चाहिए, 16 एक में 16 और फिर बाकिया जितना है ना सब में 16 रहना चाहिए। उसके रहने के हिसाब से उनके ऊपर माला पहनाया जाता है, वो माला पहनाकर उनका पूजा किया जाता है और फिर संकल्प लिया जाता है। संकल्प लेके 16 दिन ये पूजा किया जाता है माता लक्ष्मी का, 16 ताक का ये बत्ती बनता है और फिर इनको यहाँ पे जुड़वाया जाता है। खुद बनाया जाता है या घर पे हम लोग बना के ले आते हैं? 16 ताक का बत्ती है, इसको घर पे हम लोग बनाते हैं, एक ताक में 16 ताक रहता है, ऐसे ऐसे फेरी देते हैं, 16 ताक का फिर 16 बत्ती बनाते हैं, 16 बत्ती बना के इनको यहाँ पे ले आके जलाते हैं। जलाने के बाद लक्ष्मी माँ के आगे रख के इनको जुड़वाते हैं, इनको जुड़वा कर इनको जब जुड़ा जाएंगी तब इनको वो पलट के इनके ऊपर फूल अच्छा सब छिड़क के फिर इनका हम लोग सिक्का रख के इनका दिया जुड़वा के हम लोग सीधे भगवान लक्ष्मी माँ से कहते हैं जो भूल चूक हुई है हम लोग से गलती का क्षमा करिएगा, आप लोग तो अब तो हम लोग को जो समझ में आता है मैं वही करती हूँ। और इनका 16 केला चढ़ता है, 16 बर्फी चढ़ता है, जैसे आपकी श्रद्धा या भक्ति भाव। हाँ हाँ, पहले हमारी सास थी तो वो 16 मतलब 16 दिन का जो रहती थी ना तो लक्ष्मी माँ को 16 वो चढ़ता है केला और 16 बर्फी चढ़ता है, 16 ताक का धूप का माला बनता है, वो माला भी चढ़ता है। मेरी सास पहले करती थी, अब मेरी सास नहीं है, हम कर रहे हैं लेकिन हम उनके तरीके में नहीं कर पाते हैं। भाई वो पहले की थी वो कर पाती थी, अब उतना जैसे श्रद्धा भक्ति भाव से करने के मतलब कि जो इच्छा है मेरा मैं वो कर सकती हूँ। भगवान से कहीं मेरे पास जितना श्रद्धा भक्ति भाव है मैं उस हिसाब से आपका कर रही हूँ, जो आप बाल बच्चों को मजे में रखिए। ये जो सोरहिया मेला लगता है यहाँ पर माँ लक्ष्मी की 16 दिन तक पूजा की जाती है। आज हम यहाँ उपस्थित कुछ महिलाओं से इनके बारे में जानेंगे, क्या है इसकी मान्यता, किस तरीके से पूजा करती हैं। आइए हम बात करते हैं यहाँ मौजूद कुछ लोगों से। मैम आपका नाम? जी मैं पूनम तिवारी। ये किस तरह की पूजा हो रही है? ये यहाँ पर 16 दिन का मेला लगता है और यहाँ सोरहिया देवी का पूजा होता है और मतलब 16 दिन लोग व्रत रहते हैं, पूजा पाठ करते हैं, लक्ष्मी जी की मूर्तियां ले जाते हैं, ले जाके अपना दर्शन करवाते हैं, फिर कथा सुनते हैं आकर के। और मतलब कि इनसे मतलब इनका भाई सब लोगों का देख रही हैं आप, सब लोग भक्त चल रहे हैं अपना, दिन भर लोग आते जाते रहते हैं, पूजा पाठ करते हैं। और इसकी बहुत विशेषता है, ये प्राचीन मंदिर है यहाँ के सब। इसकी क्या विशेषता आप हमारे दर्शकों को बताएंगे?
यहाँ की विशेषता तो अभी हम को देखिए आप रही हैं, हम कितने पुराने हैं, ये यहाँ की विशेषता पुश्तैनी चल रहा है, मतलब कि बहुत दिन से हम देख रहे हैं, 1000-2000 वर्ष से यहाँ मतलब कि पूजा, यहाँ काली जी हैं, ये प्राचीन मंदिर है, लक्ष्मी जी का ये पुराना मंदिर जी वो प्राचीन मंदिर है, और इसी से ये बहुत दिन से पूजा चल रहा है, यहाँ लोग आते हैं, लक्ष्मी कुंड का पूजा करते हैं, इसका फेरी मारते हैं, और फिर सुरैया देवी उनका दर्शन करते हैं। इनकी तमाम विशेषताएँ हैं, हम वर्णन नहीं कर पाएंगे। तो सब लोग आते हैं, अपना पूजा पाठ करते हैं, और इसी प्रकार माता लक्ष्मी का जयकारा लगाते हुए दिन भर पूजा करते हैं, रात 12 बजे तक मंदिर खुला रहता है, और यहाँ मतलब माता का ही दर्शन होता है, माता लक्ष्मी माता का पूजा होता है, उनका दर्शन होता है, और सब लोग अपना कथा यहाँ पे सुनते हैं, फिर अपने घर जाते हैं। कुछ लोग 16 दिन व्रत रहते हैं, कुछ लोग श्रद्धालु हैं जो मूर्ति ले जाके कथा सुनवाते हैं, फिर अपने घर पे रखते हैं, 16 दिन पूजा करते हैं, फिर नई मूर्ति को स्थापित करके पुरानी मूर्ति को विसर्जित कर देते हैं। जी शुक्रिया। और कुछ जानना है? इन भैया से हम बात करते हैं और जानते हैं किस प्रकार से इनकी मूर्तियाँ बिक रही हैं, और भी कुछ जानेंगे। आइए बात करते हैं इनसे। भैया, किस प्रकार से मूर्तियाँ बिक रही हैं, क्या आंकड़ा रहा है, कितनी मूर्तियाँ अब तक बिक चुकी हैं? ये सूर्यनाथ बाबा के नाम से ये मेला लगता है 16 दिन का। ये लक्ष्मी जी का मूर्ति जो है कि साल में अपने घर पर इसको रख कर पूजा जाता है, और उसके बाद फिर ये इस लक्ष्मी कुंड पोखरे पे विसर्जित कर दिया जाता है। यही परंपरा चला आ रहा है, ये 16 दिन तक चलता। 16 दिन तक माँ लक्ष्मी मंदिर जो है उनका पूजा होता है, और माँ सूर्यनाथ बाबा जो है उनके नाम से ये मेला लगता है। ये काली माता का मंदिर है, प्राचीन काली मठ, इसमें जागरण का भी प्रोग्राम होता है, जब मेला खत्म हो जाता है ये लगा हुआ है, जागरण का 3 दिन का प्रोग्राम होता है, मनोज तिवारी भी आने वाले हैं इसमें। यहाँ कोई विशेष श्रृंगार भी होता होगा तब तो? ये इसी में होता है, काली माता में। अच्छा। काली माता वो देखिए ना, वो दिखा दीजिए कट करके, मनोज तिवारी जी आने वाले हैं 9 अक्टूबर 2023 को, मनोज तिवारी आने वाले हैं लक्ष्मी कुंड में, काली जी के मंदिर में जागरण का प्रोग्राम होने वाला है। किस प्रकार से मूर्तियाँ बिक रही हैं? ये माता लक्ष्मी की मूर्ति, अनेकों प्रकार की मूर्तियाँ हैं, छोटी बड़ी सारी मूर्तियाँ इसमें जो है कि बिकती है। बिक्री हो रही है? जी बिक्री एकदम खूब हो रही है। खुश हैं? हाँ खुश है, बिल्कुल खुश है। माँ लक्ष्मी कृपा बरसा रही है? एकदम हमारे ऊपर ही बरसा है, सबके ऊपर बरसा है। जी धन्यवाद। जी आप यहाँ पे दर्शन करने के लिए आई हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। और किस प्रकार से यहाँ पे पूजा अर्चना की जाती है, कैसा लग रहा है? आरती के समय आप थी? जी आरती के समय थे हम लोग। हाँ यहाँ 16 दिन का श्रृंगार होता है, और आज सप्तमी है ना। हाँ किस प्रकार से ये पूजा की जाती है? इसमें सुरैया बनाया जाता है, 16 दिन की पूजा होती है, नारियल धूप अगरबत्ती चढ़ा के 16 फेरी लगाई जाती है। आपने किया? जी। ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए मेरे यानी प्रीति के साथ बने रहें द सोशल राइज में।